धर्मशाला में पीएम मोदी की रैली में प्रदेश को कोई सौगात न दिए जाने पर विपक्ष के बयानों पर सांसद अनुराग ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हमीरपुर पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकारों का काम केवल घोषणाएं करना था, जबकि पीएम मोदी ने एक साल के दौरान प्रदेश के लिए 9000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं के तहत सौगातें दी हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो विशेष राज्य तक का दर्जा छीन लिया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने जनहित के काम किए हैं। कांग्रेस का काम घोषणाएं करना होता था, कुछ करना नहीं होता था। तो कांग्रेस को वो आदत पड़ी है कि 10 वर्ष घोषणाएं होती थी, मिलता कुछ नहीं था। मोदी जी ने घोषणा का इंतज़ार नहीं किया कि एक साल पूरा होने पर दूंगा। पिछले एक वर्ष में 9000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए। कांग्रेस ने तो हमारा विशेष राज्य का दर्जा भी छीन लिया था, नरेंद्र मोदी जी ने आकर हिमाचल को वापस विशेष राज्य का दर्जा दिया। कांग्रेस ने हमें ना रेलवे लाइन के लिए पैसा दिया, मोदी जी ने आकर वो भी दिया। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का मोदी जी ने कहा भी कि ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन, भनुपली बिलासपुर रेलवे लाइन और नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन, इन पर लगभग 15000 करोड़ रुपया खर्च होगा। हमीरपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल सलासी में सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद अनुराग ठाकुर का स्कूल प्रिंसिपल विश्वास शर्मा ने शॉल टोपी और पौधा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की चार्जशीट पर कहा कि मैं कांग्रेस की हताशा और निराशा भली भांति समझता हूं, क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में उनका मुख्यमंत्री ही चार्जशीट रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में विकास को रोक दिया गया था, जिसको वर्तमान प्रदेश सरकार ने गति लाने की कोशिश की है। उन्होंने कांग्रेसियों को धैर्य रखने की सलाह दी। कांग्रेस की हताशा निराशा में समझ सकता हूँ, जिनका पूर्व मुख्यमंत्री ही चार्जशीट था, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। और मैं कहूँगा कि कांग्रेस को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि 5 वर्ष उन्होंने जब काम नहीं किया तभी जनता ने उनसे सत्ता छीनी है। थोड़ा शांति से बैठें। हिमाचल प्रदेश का विकास जो उन्होंने रोका था होना शुरू हुआ है। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए वो जमीन नहीं दे पाए थे, 4 साल नहीं दी, हमने 4 महीने में देकर कॉलेज शुरू करवाया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 5 साल वो अनुमति नहीं दिला पाए थे, हमने 5 महीनों के अंदर दिलाई है। कांग्रेस ने राजनीति की है, केवल राजनीति करेंगे, हम विकास करने आए, विकास करके दिखाएंगे। सांसद अनुराग ठाकुर ने ट्रिपल तलाक के मामले पर कहा कि अरब के देश भी ट्रिपल तलाक पर फैसला कर चुके हैं, तो भारत के कुछ राजनीतिक दल केवल राजनीति करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया है कि सभी राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर राज्यसभा में इस बिल का समर्थन कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। अगर अरब देशों ने और दुनिया भर के तमाम देश ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने के लिए पहले निर्णय कर चुके हैं, तो भारत में हमारी मुस्लिम बहनों को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए जो मोदी जी ने वायदा किया था वो हमने लोकसभा में पूरा किया है। कुछ राजनीतिक दल केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं दिलाना चाहते जो न्याय के लिए कई वर्षों से भटक रही हैं। मेरा यही प्रार्थना, यही अनुरोध बाकी राजनीतिक दलों से रहेगा कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और राज्यसभा में इसको पास करके मुस्लिम महिलाओं को एक बहुत बड़ा लाभ दें, जिसका इंतजार वो कई वर्षों से कर रही थी। सांसद अनुराग ठाकुर ने सीओ मामले पर कहा कि सीओ के नाम पर कांग्रेस यूं ही हो हल्ला कर रहे हैं, और जब इतना काम हुआ है तो अब सीओ का उद्घाटन भी बीजेपी सरकार जल्द करवाएगी। देखिए, जो स्टेटमेंट है ये कहना कि कुछ नहीं हो पाया, ये 5 वर्ष कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, रुकवाया, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। लेकिन हमने आकर एनओसी दिला दी, अब उद्घाटन के शिलान्यास जल्दी हो जाएगा।
अनुराग ठाकुर ने डीएवी स्कूल के वार्षिक समारोह पर कहा कि देश भर में 919 शिक्षण संस्थान हैं जो कि छात्रों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीएवी स्कूल के छात्र अपना योगदान पूरे देश के लिए कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही होगा, उसकी उन्हें उम्मीद है। देश भर में 919 से ज्यादा शिक्षण संस्थाएं चलाने वाले डीएवी संस्था, जहाँ पर 34 लाख से ज्यादा विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं यही कहूँगा कि अपना योगदान पूरे देश की उन्नति तरक्की के लिए, समाज में शिक्षा के विस्तार के लिए लगातार करते रहें, और आर्य समाज का एक बहुत बड़ा देन भारतवर्ष में रहा है, विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हम सब के लिए किया है वो शायद भारत कभी भूल नहीं पाएगा। ये शिक्षा ही जिसने भारत को इस स्थान तक पहुंचाने का प्रयास किया है। Beloved students this year joined various professional and other institutions of repute like IITs, like NIT, and the professional dental colleges, MBBS medical colleges, bringing us joy and pride to faculty and families alike. That this year, one of our students, Master Rishabh Sharma, was JEE state topper, and dear parents, it is worth mentioning that this success was the outcome of sheer hard work and skill study, quite opposite to the current trend of following friends and fellows to coaching and private institutions. Let me reiterate it that the boy achieved this success on his own through hard work and self-study.